उत्तर प्रदेश में यथार्थ ग्रुप के नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित कई ठिकानों पर इनकम टैक्स के रेड जारी है। ये रेड गुरुवार सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई। आपको बता दें कि टैक्स में हेराफेरी को लेकर यथार्थ ग्रुप पर शिकायत की गई थी, जिसके बाद आईटी डिपार्टमेंट ने ये रेड मारी है। इस रेड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोएडा यूनिट भी मदद ले रहा है। आपको बता दें कि यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पहले मेट्रो और नियो अस्पताल में भी इनकम टैक्स की रेड पड़ चुकी है। यथार्थ ग्रुप के हॉस्पिटल नोएडा के सेक्टर 110 के साथ साथ ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट में भी है। साथ ही यथार्थ ग्रुप के क्षेत्रीय कार्यालय सहित प्रशासन से जुड़े लोगों के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। आईटी की टीम ग्रुप के अधिकारियों से मिले जरूरी कागजात के आधार पर पूछताछ भी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी 2 से 3 दिनों तक चल सकती है, लेकिन इस छापेमारी के दौरान ये भी सुनिश्चित किया गया है कि अस्पताल के अंदर और बाहर मरीजों को कोई परेशानी ना हो। नोएडा में इनकम टैक्स चोरी के बढ़ते मामले। नोएडा में आईटी चोरी के मामलों की दिन प्रतिदिन शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। इनकम टैक्स ने इसी साल यूफ्लेक्स कंपनी में छापेमारी की थी। यहाँ इनकम टैक्स की टीम को आधा ट्रक भरकर फाइलें मिली थी। इसके साथ टीम को 120 कंप्यूटर हार्ड डिस्क, 50 डायरियां और इन डायरियों में टीम को फर्जी लेन देन के दस्तावेज भी मिले थे। साथ ही जब्त की गई 50 डायरियों में से 8 डायरी ऐसी थी जिनमें कोडिंग की गई थी। रिपोर्ट की माने तो ये कोड वर्ड लेन देन से जुड़े थे। उस वक्त भी इस ग्रुप पर आईटी की छापेमारी कई दिनों तक चल रही थी, जहां आईटी के रेड में करीब 1500 करोड़ रुपए के लेन देन की गड़बड़ी पाई गई थी। साथ ही 1000 करोड़ रुपए के फर्जी ट्रांजैक्शन के दस्तावेज भी मिले थे। आईटी की टीम ने उस समय 150 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ की थी। साथ ही इस छापेमारी में इनकम टैक्स को 60 शेल कंपनियों का भी पता चला था। साथ ही करीब 20 खाते ऐसे मिले थे जिनमें से 5 से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन किए गए थे।